आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना, नलके की आवाजें मैं भी समझता हूँ और आप भी समझते हैं। नलका कभी ये नहीं करेगा कि हरकतों की वजह से हमारे छत पे चिड़ियों ने आना रोक दिया। क्यों? क्योंकि चिड़ियों को भी हरासा करता था। एक ही बिठा कैच करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना जान रैम्बो और मैं आपको दी जान रैम्बो शो में वेलकम करता हूं। ख़वातीनो हज़रात, आप शो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे लोग तो हमें ये भी कहते हैं कि जी इस मौजू पे, उनकी तरफ से भी हमें टिप्स मिलती रहती हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो सारे मौजू जो आप भी भेजते हैं उन पे भी हम अपनी राइटर से कहें कि वो लिखें। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आज मेरे चैनल पर नए आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को टिन करके दबाएँ, टिन टिन टिन। आज का मौजू कुछ ऐसा है कि मोहल्लेदारी कभी हुआ करती थी हमारे बचपन में, वो आजकल देखने में नहीं आती। तो मेरे पास एक खातून आज ऐसी आई हैं जिनको अपने मोहल्लेदारों से बड़ी शिकायत है, उन्हीं से पूछते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो आज का शो शुरू करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं हमारे एक मोहल्लेदार खातून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हराम हो जो कहीं पे मुझे एक मिनट की खामोशी मिल जाए। चुन 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 हर कोने में से आवाज आ रही है। चुन चुन क्या मतलब? आपके घर के इर्द गिर्द कोई जादू टोना है जो चुन 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 आवाजें? चुन चुन वो विस्परिंग होती है जो आखिर में बोलते हैं ना। अच्छा, कभी कोई पर्सनल बात करी हो जो चुन चुन चुन। बाकी सारा दिन पूरे मोहल्ले ने मेरा जीना हराम करके रखा है। हाँ। और मुझे अपने मोहल्ले से वही गिला जो आपको फिल्म इंडस्ट्री से। मुझे फिल्म इंडस्ट्री से क्या गिला? यानी आपसे वो काम नहीं लिया गया जो आप कर सकते थे। हाँ, तो आपको मोहल्ले वालों से क्या गिला है कि जो काम आप कर सकती हैं वो काम नहीं लिया जा रहा? नहीं लिया जा रहा। क्या मतलब? ऐसी आला कुकिंग करती हूँ, अगर ये मुझे तंग करना बंद कर दे। अच्छा, अगर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने दे तो मुझसे अच्छी मच्छी कोई फ्राई कर ही नहीं सकता। कौन सी मच्छी? डोले कभी खाए? डोले, ये वाले डोले? अरे ना करो, बार बिल्ली फिर रही है उठा के ले जाएगी। इतना तो कौन से डोले? वो डोले डोले। अच्छा, वो ये वो काम है जो फिल्म इंडस्ट्री वाले इनसे नहीं ले रहे। नहीं, यही तो मैंने किया है। मैं डांस तो मैंने बहुत किया है। मैं बहुत तंग हूँ अपने मोहल्ले वालों से। क्या क्या परेशानी? मैं बता नहीं सकती कि तुम्हारे भाई इतने सुन आदमी है। सुन, तुम्हारे भाईजान जो है। अच्छा, वो सुन बाबा सुन, देखा ना गाना नहीं निकलता। सुन बाबा इतना सुन आदमी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, गिलों का अंबार लगा दूं, लेकिन शाम को आके की बात करते हैं, मैनेज करो। अच्छा, आप जब उनसे गिले करती हैं तो वो कहते हैं मैनेज करो। हाँ, सर सारे दिन बैठी होती हूँ मैं, कहेगी क्या हुआ सर, फट रहा है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो आपको पता है कि वो अपने ऑफिस में कितना सर फाड़ के आए होंगे कि आप फिर उनके सर फाड़ने पे तुल जाती हैं। तो मैं क्या करूं, अपने हामिद को ना बताऊं तो फर्स्ट कजन को जाके अपने दुखड़े सुनो। हामिद को ही बताना है ना, वही घर का मालिक है। अब अपना मकान है, किराए का होता तो छोड़ के कहीं और निकल लेते, लेकिन अपना मकान है, जा भी नहीं सकते। तो ऐसे पड़ोसियों को मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है आपकी। क्या कर रही हैं आप? मेरे पड़ोसियों से मिलेंगे तो आप भी यही करेंगे। चलिए मैं आपके पड़ोसियों को बुला के देखता हूँ। आप तशरीफ रखें। मेरे पास मत बुलाइए, बहुत इरिटेटिंग किस्म के पड़ोस। अभी पता चल जाता है मैंने बुलाया उनको। आप बैठो, तशरीफ रखें। बहुत सारी बात जी। तो अगले मेहमान जो मेरे हैं जी, इनके पड़ोसी हैं और वो बुजुर्ग हैं हमारे, और उनसे इनको क्या शिकायत है वो खुद ही आके बताएंगे, उनको शिकायत है या इनको शिकायत है, क्योंकि दोनों तरफ से जब तक बात सुनी ना जाए तब तक पता नहीं चलता। अभी तक तो ये कह रही है मुझे सिर्फ शिकायत है। हाँ। तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं हमारे बुजुर्ग पड़ोसी। आ जाएं बाबा जी, आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम। और मेरा पुत्र रैम्बो, क्या बात है, एवर ग्रीन बेटा। बड़ी मेहरबानी। यकीन कर पुत्र, छोटे होंगे तेरिया फिल्मा देखिया पुत्र। हाँ जी, हाय हाय हाय। छोटे होंगे आपने भी बचपन में मेरी फिल्में देखी। बेटा क्या बात है, निका जो होता था वो तेरी फिल्म नहीं सी, हाथी मेरे साथी। हाँ जी हाँ जी, वो मेरी दादी ने देखी है। यकीन कर, मैं उदो 5-6 साल का सा, उन्हें बड़ी तारीफ की थी।
ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ। बाबा जी हाथी मेरे साथी में आप छोटे से थे, चार पांच साल का था। लेकिन अब बाबा जी आप अपना ख्याल करें, आप मरने वाले हो गए, मैं अभी तक फ्रेश हूं। अच्छा माशाल्लाह जी, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह, बहुत नेक कुड़ी है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी मैनू कंडे लगे नहीं, वैसे मैं गल कर रहा, तू चला शहर मुंडा पिंडी दा, तेरी सारी हिस्ट्री जा। हां जी बेटा मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा। तवीज कीता होना कोई कुड़ी ते? हां जी नहीं जी, तवीज कित्थों करना सी मैं। अच्छा हां जी वाह बेटा, यकीन कर मैं बहुत फैन हूं जी। बाबा जी आप तशरीफ रखे, मैं आपसे पूछूंगा। हुण किथे तशरीफ रखी जांदी? क्यों जी? ओ ना ना पुत्र, खबरदार आवाज में बोला, पूरे मोहल्ले में तेरी आवाज सुन सकती है, मेरा कान पका हुआ है, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती इस वक्त। अल्लाह माफ करे, इन्हों भी बुलाया। इन्हों भी क्या मतलब, सानू नहीं आंदी पंजाबी? चलो ठीक है, आज तुसी आप तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। बाबा जी पुत्र जिशांदे वाला मेनू ना एक कावा मंगा दे जरा। जी मैं मंगा देना जी, वैसे अल्लाह आप जब मेरी फिल्म लगी थी आते मेरे साथ ही, जब 6 साल की। 6 साल का पुत्र? अच्छा वह क्या बात है, नहीं उंजदा उंजी है यार। बस हल्की जी दाढ़ी रख ली बस। हाँ जी मेहरबानी। अगले आते हैं जी, इनके मोहल्ले में एक बहुत अच्छे गायक है, वो अभी तक अपना हिट तो नहीं हो सके लेकिन सुना है कि बहुत अच्छे उस्ताद हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं और खुद बहुत अच्छा गाते हैं, तो तशरीफ लाते हैं हमारे फनकार सिंगर भाव। आप ही छत पे गए? आप इनके पड़ोसी है? सामने रहते हैं या उल्टे हाथ पे? उल्टे हाथ पे रहते हैं, ये चपड़ का नातिया। इनको पड़ोसी मानने के लिए मैं तैयार ही नहीं। तो मैं तो बड़ा बाजू पे तेरा नाम लिखवा के घूम रही हूँ, किराए की बैठक है, जा दबाओ जा कहीं और निकल जा। बोलन दी देखिए, बोलन स्पीड देखी। मैं आपके मुंह के पीछे काना तेल होया जी जी जी। मैंने ढोलकी उठा के तेरे बूथे पे मार देनी। क्यों मेरी ढोलकी में हाथ लाऊं देना के? जस कुड़ी दी स्पीड बिल्कुल तेरी चाची वर्गी है। अच्छा जी क्या हुआ चाची जी को? वो भी स्पीड थी वजह से, वो भी दो बारी करो नसी है। अच्छा बहुत स्पीड से होती, अगर चाची की स्पीड होती ना तो मरती ना वो, आज जिंदा होती। तो मर गई, मेरी स्पीड बहुत थी। मैं इन सब पड़ोसियों को भुगत सकती हूँ अकेले? पूरे मोहल्ले नाले दी लगदी फबदी। अच्छा जी भाई एक बंदे ने लड़ाई रख सारे ने सुला, तेनू तकलीफ की? अभी मैं अपने घर च बैठा रेंबो साहब गा मेरे दिल का परोना कोई ना, तेनु चूरिया क्यों पा? वाह क्या बात, क्या बात है, साजी तशरीफ रखे। जहाँ मर्जी बैठ, मेरी तरह से जाके कहीं कब्र में बैठ जाए। चलो तुम बैठ जाओ, तू कोई ऐसी गल नहीं, खबरदार तियां पैणा रखी है, बैठ जा। नहीं तू आ जा, आप इधर आए, आप इधर आए। इना दा अदब करीदा पाए जी, साडा बजवैया जी। अच्छा बजवैया जी, मैं पणवैया नहीं हुंदा उस तरह जी, असी मत अदब करीदा। अच्छा कमीज नू किरे बाद इल्लू आंदा
अच्छा क्यों शटर लगाना पैंदा जिड्डा सेरे ना ओ चोपी के टर वेच जाएगी चलो अच्छा जी मैं आपके एक और मोहल्लेदार सारे कातले मुसीकी है रंबो साहब गवर्नमेंट अगर तुम्हारी गल सुनदी है हां जी सुन मेरा कार इन नालो चेंज कर दियो तुम्हारी मेहरबानी मुसीकी दा मैं प्यार म्यूजिक लवर हूं मैं नहीं मल्ला क्यों छोड़े इस तरह नहीं मिलजुल के रहते प्यार मोहब्बत के साथ हर वक्त लड़ते ही रहते गुलाम अली सुनना होता मंसूर मलंगी गाउंदे साहब नु असि नहीं जानदे आज साडे वड्डे ने असि उहनां दे गाने ऐसे पहली बारी अज अखियां ने तकिया ते तकिया के हाय मार सटिया जिंदा रे पुत्रा जी की आ थोड़ी चाची ने जिंदा ना बैठी हां अच्छा यकीन करो उतन मन गई ओ तंदी अन्नी हुई अच्छा जी आपके एक और मोहल्लेदार हैं खातून हैं उनको बुलाते हैं अच्छा सारा साडे पे लगटा की तक दावत रखी रहे आपके मोहल्ले में जो लड़ाई चलती रहती है वही तो आज ठीक करानी है सुलह करवानी है ऐसे औरत नु मैं अपने घर में विस्परिंग में जाके बच्चे को सुला के अपने मियां से कहती हूँ मुन्ने के अब्बा कहाँ हो तो ये अपने कमरे से कहते हैं नजर के सामने जिगर के पास अगर मैंने ये अपना एड्रेस बता दिया तो उसमें कोई गलती की मैंने नहीं वो अपने घर मेरी आवाजों से मेरे घर में बैठे हुए तंग होते हैं इनका वॉशरूम मेरे घर के बिल्कुल साथ है बाबा जी मैं चाहता हूँ इनका वॉशरूम मेरे घर के बिल्कुल सामने हाँ जी मेरे गाने की आवाजों से ये डिस्टर्ब होते हैं जो इनकी आवाजें मेरे तक पहुँचती है मैं तो उनसे तंग नहीं होता नलका नहीं खराब पेट खराब है यार नलके की आवाजें मैं भी समझता हूँ और आप भी समझते हैं नलका कभी ये नहीं करेगा कि नलका कभी पेट पेट नहीं करेगा आपकी अगली पड़ोसन को बुला लूं अगली पड़ोसन इनकी आती है जी मोहल्लेदार एक और हैं उनसे पूछते हैं उनको इन लोगों से क्या प्रॉब्लम है तशरीफ लाती हैं आपा नसरी अखबार पढ़ती है ना जी मेरे मियां ने दुबई च अच्छा उन्होंने कहा कि तू 10वीं पास कर ले तुम इत्थे आ रहे तू भी जॉब करी अच्छा वो वहाँ काम करते हैं उन्होंने कहा कि अगर मैट्रिक की सनद साथ होगी तो आप भी नौकरी पे लग जाएंगे यार कितनी अच्छी बात तो मैट्रिक कितना अरसा हुआ शुरू की है तीन साल में मैट्रिक नहीं किया नहीं। किस वजह से इन्ना दी वजह क्या मतलब एक मिनट इनसे तो सुनने दे आपको क्या क्यों क्या हुआ बाबा जी मुझे छाते पढ़ने जानी है ऐसा पैड़ा योगा करता है पैड़ा योगा क्या होता है पैड़ा जो पुट्ठा हो गया नहीं करता योगा कर रहे हो इन्हें योगा नहीं रहना मेहरबानी केड़ा महला भाई जो मैं सुरीला गाना गाना नचदी पूरा महला फिर मेनू लावे दिंदा भी कौन नचण डे साडे अंदर भांडे डिगन पूरा महला
उस तो बाद जो मैं कहा चलो मैं उच्चा उच्चा बोल के दिमाग च बिठाना याद कर ला याद कर ला जी। और मैं जिवें एक लाइन मैं कहा तेरी आप तशरीफ रखे कुर्सी कुर्सी की आवाज इधर जिस मोहल्ले में इस तरह के नमूने पाए जाए मुझे बताए वहाँ पे रहना किसी काबिल रह जाता है बंदा की वहाँ पे रहे। मैंने भी वो नमूना कहता। अब ये खातून पिछले 3 साल से मैट्रिक करने की नाकाम कोशिश कर रही है। हाँ। इसके बाद से 4 करोड़ स्टूडेंट मैट्रिक कर चुके, ये वहीं बैठी हुई है। नहीं तो आप हमारी वजह से नहीं बैठी, मुझे ये शक है कि अपनी मैट्रिक पे ये खुद ही बैठी हुई है। 3 साल तो मैट्रिक की कोशिश कर रही है, तुम ही तो 2 साल तो दूसरे खबर की कोशिश कर ही रही हो। आप जितनी मर्जी लुके करा ले, बदतमीजी मत कीजिएगा। अच्छा, मेरे खामिन से डरे, जिस दिन उसको गुस्सा आ गया सिर्फ वो इतनी सी प्रॉब्लम है, उसको जो कहते वो कहते मैनेज कर मैनेज कर। अब मेरी बात सुने जी, आप घरेलू खातून एक मिनट जी जानू। हेलो, दुबई से कॉल है। मेरा भी जानू है, कुछ संडा ही होना। मेरा खामिन है परफ्यूम मंगाया कर, तू ओ को जतून दे बेर मंगानी है। बाबा मुंह बंद रख अपना, मेरे कने नहीं जानू कोई, मैं बस पढ़ाई कर रही बस। अच्छा, आप घरेलू खातून है जी, बिल्कुल फुल। आपको बाबा जी से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये अपनी छत पे होते हैं जाहिर है। अब मैं दस रहा, मैं आज तक ये कपड़े नहीं फैला सकती मैं अपने छत पे। एक मिनट देखे देखे गिर ना जाए, ये शो बंद करके लंबे पहने आज ये लंबा पे आंदा जी, मैं तो दुआ पढ़ देना। चलो जी मेरी गल दसो, तुसी इन्हां नूं घरेलू खातून कह रहे हो, ऐसी अल्लाह जात दी गाल कढ़दी है ना। हां जी, क्या करे गुस्सा नहीं आता जी। रैम्बो साहब, अगर मैं छत पे जाती हूँ कपड़े डालने जाती हूँ, मैं मान लिया ये तंग करता है, अगर किसी दिन मैं नहीं जाती, ये बंदा अपने छत से बैठ के इतने इतने गीते टपा 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 मेरे सेन में फेंकते है। अब मैंने अल्टीमेटली देखने तो जाना कि छत पे कौन है, और जब मैं जाती हूँ। एक मिनट बाबा जी, ये हरकत आप करते हैं? अल्लाह माफ करे, मैं कभी रोड़ा नहीं बेटा सुटिया, मेरी उम्र है रोड़े सुटने वाली। नहीं मैं जो योगा करना तो प्रेशर के नाल रोड़े उठ उठ जाते इलेक्ट्रॉनिक मारता की। अच्छा। वजह से हमारे छत पे चिड़ियों ने आना रोक दिया। क्यों?
क्योंकि चिड़ियों को भी हरासा करता था। एक ही बिठा कैच करता हूँ। आओ देखो ना, ओ जिहड़ी बच्ची परली है, कोई इतराज नहीं। अच्छा, कोई इतराज नहीं। यदि वो भी कपड़े पाउन आउंदी है, हां जी, कोई सूट पाउंदी है अपना, ते पूरा बेड़ा भरया जांदा जी। ਮਹੱਲੇ ਚ ਕੋਈ ਫੌਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਫਰਾਕ ਟੰਗ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਦਾ, ਬੰਦ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਨਾਤ ਨਾ, ਕਨਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀ ਦੀ ਕਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਸੋਣਾ ਲੱਗੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਫਰਾਕ ਬੰਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਦਾ ਖਸਮ ਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਕੁ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਬੜੇ। ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਆਈ ਖੈਰ। जितनी आपकी उम्र हो गई है, अगर इनको पड़ोसियों को इतराज है तो पड़ोसियों के कुछ हकूक भी होते हैं। आप अपने सहन में, अपने कमरे में भी योगा कर सकते हैं, इंडोर भी योगा होता है, जरूरी नहीं आप छत पे आ जाए। सीधा ही कहो कि मर जा, पर आप मोहल्लेदार हैं, एक दूसरे के लिए खैर मांगे। मैं 3 साल तो अपने बंदे नु नहीं मिली, मैं तो कहा कि कल मर जावे। पहले बंदा बहुत रुखा के मिल जाता सी ना। मैं कह रहा थी आप इंडोर नीचे अपने कमरे में योगा कर लिया करें। बेटा गल सुन, इंडोर मैं करता रहा। अच्छा, मैं 2 साल इंडोर कीती है। अच्छा, योगा। तेरी चाची मर गई, हुन मैं दस की करा। और मैं ते हुन इंडोर करते रहने अभी लता ते नहीं अंज खलो जना बावा दे उते, ओ नहीं सी खलोता जा। ओ रामो साहब गरीब, नहीं नहीं बाबा को ठीक। 1 मिनट बाबा जी, यहां मत करना बाबा जी। नहीं 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 नहीं, यार वैसे बाबा जी में फुर्ती कितनी है। और आप बोल रहे हैं इंडोर योगा कर ले जी। जिस दिन ये इंडोर योगा करता है पूरे मोहल्ले में से 3 दिन तक बदबू नहीं जाती कि इंडोर योगा। सारी ये बुजुर्ग आदमी है रहबो साहब जी, इन्हें इंडोर कीता है कि दिन। हाँ जी, इन भी सोच गया, डोर भी सोच गया। अच्छा जी, आप मुझे उस्ताद जी ये बताएं कि आपके शागिर्द कितने हैं? तकरीबन 13 को होंगे। 13 स्टूडेंट हैं। हाँ जी। अच्छा, अगर आपके स्टूडेंट के गाने से, आपके गाने से आपके मोहल्ले वाले अगर परेशान हैं, तंग हैं, तो आप कहीं बाहर जाके कोई छोटा सा स्टूडियो ले लें रेंट पे किसी मार्केट में, वहां सिखाएं आप गाना। रैम्बो साहब जी, लड़ाई होने तो पहले 2 घंटे मार खा लेना। लड़ाई 5 बजे होनी होंगी, 2 बजे मार खा के वेले होके बैठे मेरा। सारे पैसे ओथे खर्च कर दें, मैनू की बचना? अपने बच्चों मैं की खुवावांगा, मैनू दसो तुसीं। क्यों किया जब आपका काम नहीं था तो इतने बच्चे पैदा कदों आणगे? अगर आमदनी कम है हा? तो जितनी अच्छी इनकी आवाज है गली मोहल्ले में जाके मांग ले। ये बड़ा अच्छा तरीका। मंगने की कोशिश की थी पाजी, उत्थे भी कख नहीं मिले। क्यों? एक मशहूर गाना सी ओदे ते मैं मंगना शुरू, उत्थे रब अच्छा जी दे ओ मैनू रोटी दे दो, मैं कुछ नहीं खादा, मेरा काम नहीं लगा। क्या उन्होंने कहा
ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਇੱਥੇ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਦੱਸੋ ਇਨ ਕੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਨ ਕੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਗੱਲ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਗਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿਰਾਏ ਉੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਰੇਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਾਦਾ ਨੀ ਸਰ ਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾ ਰੇਸ਼ਾ ਰੇਸ਼ਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਖ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਪਾੜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਤ ਖਾਣੀ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਤ ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਬਾ ਆਈ ਜਿਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਨਮ ਮੇ ਅਰੇ ਆਪਕੇ ਸਾਲ ਜਬ ਤੂੰ ਆਈ ਥੀ ਮਿਲਨੇ ਹਮਨੇ ਸੋਚ ਰੱਖਾ ਆ ਰਾਤ ਜੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਂਗੇ ਵੈਸੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਲ ਪੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਛੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੁੱਲੇ ਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੂੰ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਹੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁੱਲੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬਦਲ ਗਏ ਮੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਯਾਰ ਆਪਕੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਹੱਲੇ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਰਹਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੁਕੀ ਆਪ ਮੈਂ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਔਰ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਸੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਓਏ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾ ਦੇ ਹੈਲੋ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲੋਗ ਹੈ ਜਬ ਵੀ ਸੁਬਹ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਟਾਈ ਵਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਲ ਛਾਲ ਵਾ ਕੇ ਜੈਸੇ ਹੀ ਗਲੀ ਮੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਤੇ ਯੇ ਸਿੰਗਰ ਕੇਲੇ ਕਾ ਛਿਲਕਾ ਫੇਂਕੇਗਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਧੁੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਾਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਣਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਣੀ ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਾਰਟਸ ਕੀ ਮਤਲਬ ਢਿੱਡ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਛਾਣ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਕਈ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਸਤਾ ਬਣੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆਈ
तो मुझे ये बताएं कि आपके खामन करते क्या हैं? मेरे खामन? नहीं नहीं, आपसे नहीं, आपसे बाद में पूछूंगा, आप बताएं क्या करते हैं। मेरे खामन एक सरकारी मुलाजिम है, एक बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं। आप जब वो थके हारे घर आते हैं, मैं ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स उन्हें बताती हूं, तो वो कहते हैं मैनेज करो। मैं डरती हूँ उस दिन से, उनका गुस्सा नहीं देखा अभी आपने। अच्छा, अच्छा, और बीवी तो गुस्सा नहीं कर दी। हाँ जी, नलके से गुस्सा कट रहा हूं। क्यों? एडी एडी जोर दी गेड़दा, एडी एडी जोर दी गेड़दा, यकीन करो। एक दिन तो अपना गुस्सा लेके बाहर कर ले। पूरे मन्ने ने उसका गुस्सा देख लिया। अच्छा, रेडियो वाले ने गुस्सा कटन ले। मैं क्या, मैं नहीं समझाया, मैं क्या यार बटन बंद कर, तेरा गुस्सा निकल गया गुस्से ना फैले। मैं क्या, तेरा गुस्सा पाई नु अंदर रख। आप के मियां क्या करते? पता नहीं पायन, मैं दे 3 साल तो इत्थे है, मैनू की पता उत्थे की करदा है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बहुत पते की बात बता रही जी। तारीख गवाह है कि जिसने पढ़ना होता है वो स्ट्रीट लाइट में बैठ के भी एमए कर लेता है। कर लेता है। ये बात, और ये ना कर पावे, तेरा सत्या नाश होवे। पता कहंदी नहीं कदिया गाला कटनी है, वो भी मैंने कटनी है। मैं कह रही हूं कुड़ियां, सारीयां कुड़ियां तेरे वर्गियां लायक नहीं, तू ते जीरो दे बल विच ही मैट्रिक कर लिया। जीरो दे बल पढ़ा नाला बंदा वाकई पढ़ने दे रहबो साहब। मेरा ताया हुजूर बीए कीता, उन्हां दिनां च लाइट भी नहीं सी हुंदा। सोहने गाने हुंदे से, असीं व्याहां शादियां ते जांदे सां, अगर कुड़ी दा गाना ते इहो जिहा गाना गाना तेरे घर रह गईयां वे बाबल मेरियां गुड़ियां, तेरे घर रह ha ha ha
अच्छा नहीं, आपका दुखड़ा अपनी जगह है, लेकिन मेरी मापिया को नहीं ना रही। अल्लाह करे जी आपका मैट्रिक हो जाए मुश्किल, मुश्किल। और आप ना मिलजुल के रहे मोहल्लेदारी में, एक दूसरे का ख्याल करना पड़ता है। नहीं नहीं कर रहा है, तो देखो मजा आने लगता है। आप शो टाइम पे सुन रहे हैं या आप आधी रात को सुने, आपको बहुत इरिटेट। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, देखें आप कुछ आप मैनेज करें। मैनेज मैं मतलब क्या हुआ, 7:30 लाओ तेरे छोटे मुंडे का कच्चा है दे ले आ दे बेटा मेरा योगा दा टाइम। नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं, रुचि करके कर। नहीं 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 कोई बात नहीं, आप मैनेज करें। देखें मोहल्लेदारी में एक दूसरे का एहसास और ख्याल करना पड़ता है। आप भी अपनी गुफ्तगू जो है ना, वो जो ये बता रही हैं कि आप बीप वाली, आप बीप वाली बातें जो है ना वो भी कम किया करें। दुआ करो मैं 3 साल तुम ले चली। नहीं जी अल्लाह करे जी, सब 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 दुआ करें जी कि अपने मियां के पास चले। आमीन। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी मौसीकी को अपने कंट्रोल में रखूंगा। जी जी, इस तरह एक टाइम रखें, आधी रात को या सुबह सवेरे नहीं। तुम्हें मैं चाहती हूँ कि जब आपके भाई आ जाए उसके बाद आप बिल्कुल मौसीकी ना कीजिए। मतलब रात को, उनका मतलब है कि रात को लोगों के सोने का टाइम और सुबह सुबह सवेरे भी नहीं। सुबह सवेरे भी नहीं। और कोशिश कीजिएगा कि दोपहर में भी बंद करें। इसका मतलब है 3 टाइम मेरी मौसीकी बंद। मैं ये चाहती हूँ कि आप सपहर में गा लीजिए। ठीक है जी बाबा जी, अब आपने छत पे योगा नहीं करनी। मैं जी इंशाल्लाह यार तू शरीफ बच्चा, मैं हूँ अज तो बाद छत से योगा नहीं करांगा। ठीक है, छत के उत्ते जो एंटीना लगा ना, हाँ जी, मैं उत्ते बह के कर ला करांगा। ओ बह के विट होंगी है। चले बहुत शुक्रिया जी। जी शो का वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे अगले शो में दोबारा मुलाकात। जी मेरे पुत्र शो कीता को लंगर पानी, लंगर पानी भी मिलेगा। आइए जी चलें, अगले शो में दोबारा मुलाकात होती है, मैं इनको लंगर मैं पानी करा। ऑन कैमरा ही घुमा दे उधर। नहीं नहीं उधर उधर। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।